नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बेहद खास मेहमान है जिनको परिचय देने की जरूरत मैं नहीं कर सकता। आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो फिल्म जगत के लेजेंडरी एक्टर्स तो है ही, राजनीति में भी पिछले तकरीबन 30 साल से है। हम बातचीत कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आसनसोल से लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए। यह अचानक आप आसनसोल कैसे चले गए? अब इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें, पहले मैं आपको मैं आपको बधाई के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे निमंत्रण दिया, बुलाया यहाँ पे। और आपका चैनल जो है, जो आपने सत्य की बातें करते हैं और सत्य भरी बातें करते हैं, इसके लिए बहुत ही लोकप्रिय है, लोगों में बहुत तारीफ है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग सत्य को देखें, आपकी सत्य भरी बातों को सुने और प्रभावित हो, ये मेरी कामना है। अब रही बात, थैंक यू। अब रही बात इस संयोग या प्रयोग का, मुझे खुद पता नहीं था। अचानक एक दिन मैं योगा कर रहा था सवेरे, पिछले महीने की मार्च की शायद 12 या 13 तारीख थी, और अचानक देखा कि ममता बनर्जी जी का ट्वीट आया। मैंने देखा नहीं, मुझे मेरे बड़े भाई स्टेट्समैन, फॉर्मर फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यशवंत भाई ने फोन किया कि आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, इतना हंगामा हो गया। मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा क्या फोन, कौन सी बात हो गई, क्या कि आपका दीदी ने अनाउंस कर दिया। अरे, उस वक्त ये भी नहीं समझा दीदी कौन। मैंने कहा कौन सी दीदी, मेरी दिल्ली वाली दीदी, कहाँ की दीदी। अब मैं तो अचानक, उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं, आपने फोन ऑफ किया? सर फोन को चार्ज में रखा, जल्दी उठिए, प्रॉपर रिस्पॉन्स कीजिए। और दीदी थे, इतने दिनों से दीदी की ख्वाहिश थी और हम लोगों ने भी दीदी से बात की थी, ये करके। और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि आप ही फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और आप फेम डॉक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, तृणमूल कांग्रेस की इच्छा है कि आप वहां से आसनसोल से उम्मीदवार होंगे। और जब तक मैं रिएक्ट कर पाता कि थोड़ी देर में ममता जी का फोन आ गया और उन्होंने कहा आपका नाम, आपके नाम की घोषणा हो गई है और आप ना नहीं करेंगे, आप जाइए, आसनसोल के लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये लोग होंगे वहां पे जो आपका ख्याल रखेंगे, देखभाल करेंगे और मैं हर वक्त इसकी निगरानी करूंगी जी। अब ऐसी बातें हो गई तो मुझे तो, मैंने कहा ओके, क्योंकि ममता जी का मैं शुरू से बहुत कदरदान रहा हूं और मैं यशवंत सिन्हा जी या और भी बहुत सारे लोग जो जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आए राजनीति में सामाजिक जिम्मेदारी के तहत, उनकी नजरों में ममता जी की बहुत कदर रही। हम लोगों ने शुरू से, आपको पता होगा जब उनकी ऐतिहासिक सभा हुई थी परेड ग्राउंड में आज से 2-3 साल पहले, तो मैं वहां उपस्थित हुआ था जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था जी। उसके बाद दिल्ली आती थी, उनसे मुलाकात होती थी, मुंबई मुलाकात हुई, कोलकाता आता था तो मुलाकात होती थी। तो ये सच है और सच के सिवाय कुछ भी नहीं कि मैंने इन सारी बातों के आधार पर मैंने उनसे कहा, ममता जी से, कि आपका विश हमारा कमांड है और मैं जाता हूं। और फिर सब बाकी की घटनाएं कैसे, मैंने कहा 2-1 दिन बाद नॉमिनेशन फाइल करूंगा, उन्होंने कहा नहीं आप 1-2 दिन पहले ही कीजिए। और जितने बढ़िया से उन्होंने संचालन करवाया, जितना बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने नाम के साथ साथ मेरे नाम को जोड़कर और तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को जोड़कर बात को आगे बढ़ाई कि मैं जिस ऐतिहासिक क्षण और ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी लेकर जी, मैं जिस तरह आसनसोल दुर्गापुर में उतरा हवाई अड्डे पे अपने परिवार के साथ, आसनसोल के वृहद परिवार से जुड़ने के लिए, तो उतरते के साथ मुझे महसूस हुआ कि हिस्टोरिकल मोमेंट, हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी तो थी, लेकिन वहां के लोगों का जो मैंने हिस्टोरिकल रिएक्शन देखा, रिस्पॉन्स देखा, उनके ब्लेसिंग का, उनके इमोशंस का, उनके अफेक्शन का, शत्रुघ्न सिन्हा स्वागतम, शत्रुघ्न सिन्हा स्वागतम, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। प्यार करते हैं, इतना मानते हैं और इतना चाह रहे थे मुझे, हजारों लोग पूरे रास्ते 15-20 किलोमीटर रास्ते में हजारों लोग खड़े थे और जो स्वागत, कुछ लोग आए थे, कुछ लोग लाए गए थे, मगर इतने सारे स्वतः लोग आए थे। तो मैंने कहा हिस्टोरिकल मोमेंट में हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी के साथ हिस्टोरिकल रिएक्शन देखा, रिस्पॉन्स देखा, उसके आधार पर मैं कह सका उसी क्षण
कि शायद रिजल्ट के वक्त भी हम एक हिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे, एक नए इतिहास की रचना कर पाएंगे। और ये तृणमूल कांग्रेस का, ममता जी के गाइडेंस का, यशवंत सिन्हा जी के साथ देने का, और साथ ही साथ वहां के तृणमूल कांग्रेस के लोगों का, खासकर वर्कर्स का, लीडर्स का जो साथ सहयोग मिला है, और जिस तरह से हम वहां काम करते गए उन लोगों के गाइडेंस पे जी, मुझे ना सिर्फ एक नए इतिहास की रचना हुई रिजल्ट में, लेकिन कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इतना बड़ा लैंड, इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री, इतनी बड़ी ऐतिहासिक रिजल्ट, ऐसा मैसिव मैंडेट शायद ही पहले कभी आया हो, और पहली बार तृणमूल कांग्रेस को ये सीट हासिल हुई जी वहां पे सोल में, इतिहास में, और एक नए इतिहास की रचना हुई। तो मैं इसके लिए तो आप तमाम लोगों का जिन्होंने साथ दिया, और खासकर ममता जी का जिन्होंने मेरे नाम की घोषणा कर दी, मुझे इसका पता भी नहीं था, यशवंत जी जिनकी बहुत दिनों से चाहते थे कि मैं आऊं सामने वहां पे, और यहाँ पे, और ममता जी, कल्याण बैनर्जी उनके जो चीफ व्हिप हैं, वो 2019 में भी मुझे कहते थे पार्लियामेंट में, उसके पहले भी, कि शत्रुघ्न सिन्हा जी आपकी सोच तो बिल्कुल सही है लेकिन आपका रास्ता जो है वो गलत है। मैं पूछता था रास्ता कौन सा है, तो कहते ममता बैनर्जी का रास्ता है, उनके नेतृत्व का रास्ता है, और ममता जी बहुत आपको मानती हैं, चाहती हैं, आप क्यों नहीं आते हैं वहां पे। तो ममता जी भी कोशिश कर रही थी, उनके लोग भी चाह रहे थे, और सब चाहत में ये सारे मिले जुले लोग हमारे अपने लोग। अब मैं आपको क्या बोलूं, अब आपको क्या बोलूं, बिहारी बाबू बोलूं या बंगाली बाबू बोलूं, बिहारी बाबू से बिहारी बाबू से वहां आशुतोष जी में बंगाली बाबू ये बन गया, क्योंकि लोग देख रहे थे कि बंगाली अच्छी बोलता हूँ, और शायद इसका भी अच्छा फल मिला कि वहां पे बिहार, ये देखिए वहां की रचना बड़ी अजीब है, अरे बढ़िया है। एक तो आसनसोल सिटी पे जो वहां गेट पे लिखा हुआ है, वो मैं हर जगह कोट करता हूँ, मैं कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जहां भी मैं मुख्य अतिथि था वहां भी मैंने कोट किया, वहां लिखा हुआ है सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा और सद्भावने का शहर, बड़ा अच्छा लगा। और ऐसा ही हर जगह होना चाहिए, सर्व धर्म समभाव, भाईचारा, सद्भावना, तरक्की, प्रगति, डेवलपमेंट, पीस, प्रॉस्पेरिटी, यही तो आज का तकाजा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार आपकी जन्मभूमि है, बॉम्बे आपकी कर्म भूमि है, तो बंगाल अब आपकी राजनीतिक भूमि हो जाएगी? दिख तो ऐसा ही रहा है, दिख तो ऐसा ही रहा, क्योंकि उन लोगों ने इतना प्रेम दिया है मुझे, ऐसा बेमिसाल प्रेम और आशीर्वाद दिया है कि अब तो मेरी लॉयल्टी जो है उनके साथ एकदम टिक गई, जम गई, और वहां के जमीन से जुड़ गई है लॉयल्टी, राजनीति जो कहें आप। मैं कह रहा था बिहारी बाबू जो वहां गया तो लोगों को बड़ा अच्छा भी लगा, कई लोगों को बहुत अचंभा भी हुआ कि मैं बंगाली भी अच्छी बोल लेता हूँ, और बंगाली बोलता रहा, बिहारी बोलता रहा, वहां की रचना कुछ ऐसी है आशुतोष जी बताओ, 50% करीब करीब वहां पे सो कॉल्ड तथा कथित बाहरी है, माइग्रेंट जिसको कहते हैं वो लोग है, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, हमारे अपने बिहार झारखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, उसी तरह से, और 50% जो है वो करीब हमारा बंगाली परिवार है। अब ये बंगाली परिवार और बाहरी ये माइग्रेंट परिवार के साथ मिलकर तो सही माने में बिहारी बाबू और बंगाली बाबू बनते हुए सही मानों में मैं एक हिंदुस्तानी बेटा बन गया, भारत माँ की संतान बन गया सही मायनों में, और मेरा फर्ज और कर्तव्य है कि मैं इस कर्तव्य को आगे बढ़ाऊं। देखिए आपको आपको बोलने में तो आपको महारत हासिल है, लेकिन ये जरा बताइए, आप तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद आप कांग्रेस में गए थे, तो कांग्रेस छोड़ने का फैसला, आप बहुत कम समय तक वहां पर रहे, कोई कटुता थी, कोई तकलीफ थी आपको जो आप तृणमूल के पास चले गए, या ममता जी का ऑफर आप ठुकरा नहीं पाए? एक तो जरूर ममता जी तो बहुत दिनों से कहती भी थी, उनके लोग भी कहते थे, यशवंत भाई भी कहते थे, उनका भी बहुत प्रभाव रहा, और अचानक जिस तरह से मेरे नाम की घोषणा हुई, और इतना हक समझ के, अधिकार समझ कर जिस तरह ममता जी ने मेरे नाम की घोषणा कर दी, मुझे इस बात का पता भी नहीं था, और उसके बाद मुझे टेलीफोन पे कहा कि आप ना के जीते हो गए, आसनसोल जानो आपने, और अपना वेट को छे, आपना उड़ते हुए लौटते हुए जान आप सब भाई अच्छे अपने जुमले। अब इतना कह दिया तो पहली तो उनका सवाल नहीं पैदा था, हमने
कहा उनको योर विश इज आवर कमांड, ओके। लेकिन इसके पहले आपने जो कहा मुझको कांग्रेस की, मैं अभी ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ, हाँ ज्यादा दिन नहीं रुका वहां पे आशुतोष जी, लेकिन अब क्या अभी कहूँ, किसने क्या वायदा किया, क्या कहा, क्या किया या क्या नहीं किया, उन लोगों ने कितनी बातें की, और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वेणुगोपाल जैसे व्यक्ति या व्यक्तित्व को, या हमारे रंजीत सुरजेवाला जी, उन्होंने क्या टेलीफोन तक रिटर्न किया कि नहीं किया, कि कितनी बारे उनको तकाजा देने के बाद अपनी परेशानी में रहे और हम लोगों को और परेशान करते रहे, कोई क्लैरिटी नहीं, कोई लीडरशिप नहीं, कोई बाप के शिकायत के लिए कोई वहां पे जगह नहीं, या सुनाने के लिए, सुनने सुनाने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं उनका, तो ये सब बातें जब होती नहीं वहां पे, तो मैं देख रहा था, बहुत दिनों तक देखा, इंतजार किया, लेकिन मैं फिर भी कह दूं कांग्रेस के बड़े नेताओं से, खासकर सोनिया जी से, चाहे उसके पहले इंदिरा गांधी जी का मैं बहुत बड़ा बहुत प्रशंसक रहा हूँ, आज भी हूँ, और राहुल से, राजीव गांधी जी, इनसे किसी से हमें कोई शिकायत नहीं है, ये सब लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन शायद जिस तरह से घेराबंदी है या जिस तरह से कोई चीज को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने में बहुत देर हो जाती है, वहां पे अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने, जो कमिटमेंट्स करके आते हैं उस कमिटमेंट्स को निभाने में बहुत देर हो जाती है उनको, या शायद कई बार इतनी देर हो जाती है कि सामने वाला ही आपके नजरों से ओझल हो जाता है। अब ऐसा बहुत होता रहा, लेकिन इस वक्त मैं आशुतोष जी ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ, कई बार नई दिशा में, सही दिशा में जाने के लिए कई बार नई दिशा में जाना बहुत जरूरी हो जाता है, मैं नई दिशा और सही दिशा दोनों में आ चुका हूँ। दूसरी बात यह है, कांग्रेस अभी खुद बहुत क्राइसिस की स्थिति से गुजर रही है जी, क्राइसिस का फेज है उनका, बहुत बुरा फेज जा रहा है, कंफ्यूजन का और क्राइसिस का फेज है। ऐसी घड़ी में उनके जख्मों पे मरहम लगाना चाहिए, बल्कि उनके उनके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए, तो मैं अभी उनके जख्मों को और कुरेदना नहीं चाहता हूँ, मेरी शुभकामना उनके साथ, और हाँ जो यंगर हैं उनको मेरा शुभाशीष है। बहरहाल मैं 10 फॉर और 9 फर्दर के स्लोगन के साथ मैं अपना तृणमूल कांग्रेस में आ चुका हूँ, इनके साथ साथ इनके साथ निभाने की मेरी प्रबल इच्छा है, और मैं उसी प्रबल इच्छा को लेकर ममता बनर्जी के गाइडेंस में आगे बढ़ रहा हूँ, यशवंत सिन्हा जी से के आशीर्वाद लेके, समर्थन लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और अब पीछे मुड़ के देखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। क्योंकि ये पॉलिटिकल सवाल, इसलिए मैं अपने को पूछने से रोक नहीं पाऊंगा, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो विपक्ष की एकता है वो कांग्रेस के बगैर संभव है? दूसरा, क्या कांग्रेस राहुल गांधी, नेहरू गांधी परिवार के बगैर आगे बढ़ सकती है? दूसरे सवाल का पहला जवाब दे दूं, मुझे नहीं लगता है कि जो हाँ वोट कैचर्स तो वही रहे हैं, नेहरू गांधी परिवार वोट कैचर्स तो वही रहे हैं, तो इसलिए जाहिर है कि उनको वो रेस्पेक्ट सम्मान मिलना चाहिए, और उनसे बातचीत करके सिर्फ नया नेता खोजने से कुछ नहीं होगा। आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है कि यंगर जनरेशन को सामने आना चाहिए, सही बात है, लेकिन सिर्फ यंग या यंगर जनरेशन ही काफी नहीं है पॉलिटिक्स के लिए, या किसी भी प्रोफेशन के लिए, या किसी भी मिशन के लिए। यंग यंग ब्लड के साथ, यंग लोगों के साथ, यंगर जनरेशन के साथ आपको तजुर्बा भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, यानी बड़ों का और यंगर जनरेशन का दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए सही तरीके से, तभी आप आगे बढ़ेंगे और समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। उसी तरह से आप सिर्फ नेता बदल देंगे, गया राम के बाद आया राम हो जाएगा, तो उससे क्या होने वाला है? नेता जो बदलते हैं तो साथ में कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज, एबिलिटी, कैसे हैं वो लोग, उनकी कितने लोग सुनेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आशुतोष जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते हमारे पास संख्या हो, हमारे पास संख्या बल हो, पार्टीज का समर्थन हो, हमारे तमाम लोगों का समर्थन हो। तो इसी तरह से कांग्रेस में जो मैं देख रहा हूं, मैं अपने अपना विचार रख सकता हूं कि उनको पहली तो नेहरू गांधी परिवार के अलावा वहां कोई वोट कैचर नहीं है अभी तक, तो इसलिए उनको हटा के कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मार ले हम लोग, या वो लोग, मैं तो खैर उसमें नहीं हूं, वो लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मार ले। और दूसरी बात, आपने ये कहा उसमें आए अच्छे लोग, आए टीम मजबूत हो, डिपार्टमेंट्स मजबूत हो, और उसको डिपार्टमेंट मजबूत होके
जो रियल वोट कैचर्स हैं, जो रियल हीरो हीरोइंस हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको भरपूर समर्थन दें, उनको आगे लेके चले, उनके साथ उनके दुख सुख के भागीदार होके उनको लेके बढ़े। आप देखिए राजनीति के कैलेंडर में, ये तो आप भी जानते हैं और मानते हैं कि कोई भी आखिरी तारीख नहीं होती है, सब कुछ फिर ठीक हो सकता है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही, पहली बात जो कही थी आपने कि यहाँ पे विपक्ष की एकता और कांग्रेस के बगैर हो सकती है नहीं हो सकती, अगर इसी तरह का कंफ्यूजन चला, इसी तरह का अगर क्राइसिस चलता रहा और उसको निप द बड इन द बिगनिंग, हालांकि बिगनिंग में तो काफी देर हो चुकी है, अगर ना किया गया, इनके अपनी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो फिर कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। विपक्ष की एकता भी आगे चल सकती है, बढ़ सकती है, और जैसे कि लोग देख रहे हैं 2024 में ममता बनर्जी बहुत बड़ी गेम चेंजर बनकर सामने आ सकती हैं, तो उनके साथ ममता जी के नेतृत्व में दूसरे पार्टी भी अपना ग्रुप बनाकर अपना अधिकार क्षेत्र को सामने लाकर वो बढ़ सकते हैं। कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, अगर आपका घर ठीक नहीं है तो दूसरे घर और दूसरे परिवार के सहारे भी लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, भले कांग्रेस के बगैर ना हुआ हो, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है, कुछ लोगों को छोड़ के आगे बढ़े हैं लोग, बनाने की कोशिश किया या सरकार बनाने की कगार पे आए हैं, आगे भी हो सकता है। शो मस्ट गो ऑन। बट आज की तारीख में जो देश की हालत है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपने ये उम्मीद की थी कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तब स्थिति ऐसी बदलेगी, इस तरीके से करवट लेगी भारत की राजनीति, भारत का समाज, और ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। कई बार इसको थोड़ा रिफ्रेश करके मैं, आप मुझे बोलने की इजाजत दें तो मैं बोल सकता हूँ। प्लीज सर, मैं बोल सकता हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप तो 4 बार पहले MP रहे हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो भारत के भूतपूर्व अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, द फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, गुरु, अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी के तथाकथित साम्राज्य में आप 2-2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, उसके बावजूद आप यहाँ पे मोदी जी की सरकार, जो आपके दोस्त भी रहे हैं, आपके सहयोगी भी हैं और आज देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, तो उनकी सरकार में आपने क्यों छोड़ने का फैसला कर लिया और धीरे धीरे आप क्यों अलग हो गए? बहुत सारे कारण हैं, उसमें नोटबंदी भी कारण है, उसमें ये सारे जन विरोधी बहुत सारी बातें हुई, किसानों के आंदोलन का भी अभी तो अभी हुआ है, तो ऐसी ऐसी बहुत घटनाएं घटी वहां पे जिससे कि बहुत लग रहा था कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता और पार्टी से बड़ा देश होता और देश से बड़ा कुछ नहीं होता। वो सब लगा कि ये सब अच्छा नहीं लगा, देश की जनता के खिलाफ लगा, और मैं चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते जनता का मैंने महसूस किया कि अब इस तरह आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि अटल जी के शासन में लोकशाही थी, लोकतंत्र था, लोकशाही में हम आगे बढ़ रहे थे और बढ़ाना चाह रहे थे। यहाँ पे दुर्भाग्य कहें, अनफॉर्चुनेटली, कि हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी, हमारे नरेंद्र मोदी जी के वक्त में लोगों को अहंकार और गरूर का सामना करना पड़ा, एक तरफा डिसीशन का सामना पड़ा करना पड़ा। यानी अगर अटल जी के वक्त में लोकशाही थी तो मोदी जी के वक्त में हमें लगा कि इस वक्त जो है तानाशाही चल रही है, यानी टू मैन आर्मी, जो चाहो कर दो, अपने एब्सोल्यूट मेजोरिटी का ब्रूट इस्तेमाल करते हुए आप जो चाहे कर दें, और बाकी लोग अपने टिकट के डर से, अच्छे अच्छे टैलेंट पूल इनका खत्म हो गया है, टैलेंट पूल आज जो तृणमूल कांग्रेस के पास है, आज शायद दूसरी पार्टीज के पास है, आज शायद कांग्रेस के पास वो टैलेंट पूल नहीं है, क्योंकि ये टैलेंट पूल से ज्यादा भयभीत पूल हो गया है, चमचा पूल हो गया है, घबराहट में लोग डरे हुए सहमे हुए हैं कि मेरा टिकट कट जाएगा, टिकट काट दिया जाएगा, कोई रूल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं उस तरह की के हिसाब से टिकटिंग मिलेगा, जो पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीता आप उसको भी हटाने की सोच देते हैं। यहाँ पे अपने फैंसी में अगर आपको याद है, कुछ दिन पहले जब आए थे तो वहां पे पांडे नहीं, बहुत अच्छे उम्मीदवार जो 8-9 बार जीते थे गुजरात से,
उनको आपने हटा दिया था, उनको हटाने के बाद हमारे दोस्त को, अब अच्छा कलाकार है, परेश को लाए थे आप, हालांकि उसने इतनी इतनी बाजी को, और ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हुई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आज टैलेंट खत्म हो गया, तो हीरा तहां ना खोलिए जहां खोटी है हाट, कसकर बांधो गाठी उठकर चलिए बाप। तो मेरे साथ तो ये हुआ, मैं उससे निकला, और उस वक्त तलाश थी कि जो कि मैंने कह दिया था सिचुएशन कुछ भी हो लोकेशन वही होगा, पटना चुनाव लड़ना चाहते थे जी, और तब तक मुझे इतना आभास नहीं था कि बहुत सारी बातों के साथ इनकी अपनी राजनीति की रणनीति के साथ साथ एक बहुत अहम रोल पैदा खेलेगा, अहम रोल आपका ईवीएम मशीन भी खेलेगा बहुत अहम रोल, ये उस वक्त मुझे इतना आभास नहीं था। तो जब मैं आया वहां पे, जो पटना में रिकॉर्ड मतों से जीता हुआ आदमी पूरे देश में हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज आपको पता है मेरा था, और उसके बाद उस चुनाव में पटक दिया गया मुझको, या पटका गया मैं, मार दिया गया या मारा गया मैं, वो अब उस पर भी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, बातें पुरानी हो गई। लेकिन जो सामने वाले कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो मिनिस्टर जो चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा में थे, उसके बाद उनको लड़वाया गया था, और वो उस वक्त आईटी मिनिस्टर भी थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो इस बार ईवीएम का खेला नहीं हो सका। आपने देखा यूपी में भी, यूपी में हुआ, लोग कहते 50-60 सीटों में हुआ, यूपी में हुआ और जगह हुआ, और ये इतना बढ़िया अखिलेश जीत रहे थे, उनको जीत की हार मिली या हार दिलाई गई उनको, ऐसा लोगों का मानना है कि 50-60 जगह खेल हो गया, सेलेक्टिव मिसयूज हुआ ईवीएम मशीन्स का। पंजाब में नहीं हो सका, पंजाब में नहीं हो सका, केरला में नहीं हो सका, बंगाल में नहीं हो सका, आसनसोल में नहीं हो सका, इसलिए कि इन लोगों की मशीनरी नहीं थी वहां पे, इन लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं थी वहां पे, ये लोग वहां करवा नहीं सकते थे, क्यों, सरकार किसी और की थी, और वहां खेला हबे की क्वीन ऑफ हवाई चप्पल और क्वीन ऑफ कॉटन साड़ी द आयरन लेडी ममता बनर्जी का वहां पे ये का की चलती थी वहां पे, उनका है वो क्षेत्र, उनका राज है। तो इस तरह से जो बातें हुई, मैं निकला, आप उसके पहले देख रहे भारतीय जनता पार्टी से, आज हमारे जिनका जिक्र किया था फ्रेंड फिलोसोफर गाइड गुरु अल्टीमेट लीडर, आज अडवाणी जी की क्या हालत, कहाँ है वो, मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, आपके इतने बड़े परम विद्वान अरुण शौरी को कहाँ फेंक दिया गया उनकी तरफ से, हमारे इतने बड़े स्टेट्समैन फाइनेंस मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भूतपूर्व यशवंत सिन्हा जी को क्या किया उन्होंने, कैसे किया और क्यों किया, आज सुना है कि उनके बेटे के ऊपर भी लोग नजर लगाए हैं, अब क्यों लगाए हैं, ऐसे और बहुत सारे बेटों के ऊपर नजर लगाए, तो ये सब बातें जो हो रही है ना, आप और साथ साथ में उसी पर एक मिनट खत्म, 30 सेकंड सॉरी, और उसी तरह से आशुतोष जी जिस तरह से साम्राज्य फैलाया इन्होंने, कई बार तो ऐसा लगता है कि नाम के लिए तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये लिंचिंग हो रही है, बट कई बार इसका रूप जो है एक क्रूड मुगल साम्राज्य का दिखाई पड़ता है, कि फिर से ये इस तरह से ये क्या हो रहा है, जहांगीरपुरी में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लिंचिंग क्यों हो रहा है, इतनी लिंचिंग क्यों होती है, ये डिवीजन दो समुदाय में, मैंने अभी कहा आसनसोल में लिखा हुआ देखा अच्छा लगा, सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव होनी चाहिए, ये दो धर्म के बीच में या धर्म के लोगों के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है, अरे सब तो भारत माँ के संतान है, चाहे हिंदुस्तान के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सारे लोग तो भारत माँ के संतान है जो भारत में रहते हैं, तो इनके अंदर इतना डिविजन क्यों, और खासकर चुनाव की घड़ी में ये हिजाब की बातें क्यों आती, ये चुनाव की घड़ी में हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान और शमशान की बातें क्यों आती, ये हमने कभी नहीं सोचा था, ये हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में नहीं देखा था। आपको याद होगा विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल अदर्स, आपको याद होगा कि जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद की जड़, और जब विवाद की जड़ में जब भी हुआ, मैं कह रहा हूँ वहां पे अपना फैजाबाद में जो भी उस वक्त हुआ, अयोध्या में जो भी हुआ, वो आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें नहीं गए थे, यानी एक उनकी छवि देखो आप,
कि सारी बातें करते हुए हिंदू समाज हिंदुत्व से ज्यादा वो हिंदुस्तान की बात करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था ना, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, ये किसने कहा था? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के समय के लीडर ने कहा था। आज इतना अंतर क्यों आ गया है? आज एक बात खत्म करता हूं, आज कश्मीर फाइल्स का जिक्र होता है, ये सत्य के लिए सही है, ये प्रकरण इसलिए सुनाना जरूरी है कि आप कश्मीर फाइल्स पे प्रधानमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री हमारे मित्र नरेंद्र मोदी जी इस तरह से उसका प्रचार और प्रसार करते हैं। चलो आप अगर पार्लियामेंट के अंदर में किसी फिल्म का इतना प्रचार प्रसार करते हैं और सबको देखनी चाहिए और आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है, जरूर देखें आप इसको, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं फिल्म के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैंने फिल्म देखी नहीं, हालांकि उसमें राग दरबारी वाले बहुत सारे कलाकार हैं, वो कलाकार ज्यादातर वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, जिनका जुड़ाव है, लगाव है, दबाव है, या दबाव है, उन लोगों ने काम किया है। डायरेक्टर भी विवेक अग्निहोत्री अच्छे होंगे, मैं नहीं जानता, मैं उनके टैलेंट पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, फिल्म भी शायद अच्छी होगी, फिल्म अच्छी बनी होगी, और अच्छी बनी होगी जब देखूंगा तब बात करूंगा। लेकिन एक दो सवाल उठकर आता है मेरे सामने कि आपने कश्मीर फाइल्स पे इतनी जोर लगा दी, इतना प्रचार प्रसार किया देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद, तो कल कोई अगर गुजरात फाइल्स लेकर आएगा तो क्या करेंगे आप? कल कोई पेगासस फाइल्स लेके आएगा तो क्या करेंगे? कल कोई पंडोरा फाइल्स लेके आएगा तो क्या करेंगे? कोई हमारा सिख राज पे हमारा सिख परिवार के साथ जुल्म और ज्यादती हुई उसका उसकी फाइल लेकर आएगा तो क्या करेंगे, बनाएगा तो? अगर आप नीली मैसेकर है, भागलपुर ब्लाइंडिंग है, भागलपुर का दंगा है, ऐसे देश में महाराष्ट्र का है, बहुत सारे हैं, इसको आप लेके तो क्या बोलेंगे आप, क्या कहेंगे आप? ये क्या वक्त है कि आप जख्मों को कुरेदें, क्या समस्याओं को बढ़ाएं और जगाएं लोगों को, देखो ये समस्या है, नहीं, अब ये घड़ी है समस्याओं को के समाधान की। आप जरा बताएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे ही पूछता हूं मैं कि आप 8 साल तो आपको भी हो गए हैं, इसके पहले कितने प्रधानमंत्री आए? हमाम में तो सब नंगे दिख रहे हैं, इतने प्रधानमंत्री आए, मैं किसी खास पे नहीं बोल रहा हूं, सब पे बोल रहा हूं, और सब पार्टीज के प्रधानमंत्री शायद रहे करीब करीब, किसने क्या किया? किसी ने कश्मीरी हमारे पंडितों के लिए, हमने तो उनके लिए शॉटगन शो में किया था, मैं तो उनसे मिलने नहीं गया था, वो हमसे भी मिलने आए थे, हमने उनकी बातें अटल जी तक, हमने उनकी बातें बाला साहब ठाकरे तक पहुंचाई थी, हम तो उनके साथ हमारा शॉटगन शो में बड़ा मशहूर हुआ था, इसमें कश्मीर पीड़ित भी आए थे, क्या कश्मीर का उसका टाइटल था कश्मीरी पंडित अपने ही घर में बेघर क्यों, और उसमें वहां के यासीन मल्लिक भी आए थे, और वहां बड़ा जबरदस्त गर्मा गर्म डिबेट हुई थी, बहुत उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया था। लेकिन समाधान के नाम पे क्या कोई प्रधानमंत्री उनसे मिला? उनका डेलीगेशन आया उनके पास, वो डेलीगेशन भेजा उन्होंने, उनके लिए होम दिया, घर दिया, उनको कॉलोनी बसाई, उनके सुरक्षा का इंतजाम किया, उनके केसेस को एक्सपेडाइट करने की कोशिश की, उनको कॉम्पनसेशन दिया, उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनके महिलाओं को, उनके आंसू पोषने के लिए कुछ ऐसा किया कि जन जनमंत्र वो याद रखे, उनका समाज याद रखे, हम सब याद रखें। ये करना चाहिए, समाधान करो, ऐसा करो कि आगे ऐसा कभी ना हो। ऐसी फिल्मों का प्रमोशन क्यों किया जा रहा प्रधानमंत्री जी की तरफ से? अब आप जानते, कई लोग कहते हैं कि चूंकि चुनाव ही आने वाले दिनों में कुछ चुनाव है, सारे इश्यूज खत्म हो गए हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, आपका आप चारों तरफ देख रहे हैं हाहाकार की स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे, आप लोगों ने खुद ही रिपोर्ट किया था कि चंद साल पहले शायद 43 से 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया था, चंद साल पहले अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आपका हेल्थ सिस्टम देख लें, आपका एजुकेशन सिस्टम देख लें, सिर्फ घोषणाओं पे चल रहा है ना, जो होना चाहिए किस हद तक हो रहा है? देश के आज कितने यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेज हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 100 के अंदर आते हो, 200 के अंदर आते हो, अरे बताइए 500 में आते कितने आते, ये तो बताइए पूरे दुनिया में। और आप विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, अच्छी बात है, जरूर बनना चाहिए, 75 साल आप बना रहे हैं लोकतंत्र के, 75 साल आप कह रहे हैं क्या, रजत नहीं, अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव, बहुत अच्छी बात।
तो थोड़ा अमृत के नाम पे थोड़ा सा साफ पानी ही उनको प्रदान कर दें जनता को, 75 साल में ये है, ये पीने का पानी है, ये आपके लिए हमने कर दिया। अभी तो लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की एक्सट्रीम समस्या जूझ रहे हैं। किसी ने सोचा था जिंदगी में, आप तो आशुतोष जी, आपने जरूर रिपोर्ट किया होगा, हमने भी, मुझे, मैं एक्सपर्ट नहीं उसका, किसी ने सोचा था कि नींबू यानी दाम इतने महंगे हो जाएंगे, नींबू जो 2800 रुपये क्विंटल बिक रहा था एक महीने के अंदर 5000 रुपये क्विंटल बिकने लगा, नींबू 300 रुपये किलो हो जाए, किसी ने सोचा था कभी? तो सारी चीजें एक्सट्रीम चली गई। तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और वो भी खासकर चुनाव की घड़ी में, कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये सब बातें, नई नई बातें, दर्द भरी बातें, बहुत पुरानी बातें हैं, क्यों ना हो, यानी जो कहते हैं पुरानी बॉटल और क्या, नया शराब है, नई शराब पुरानी बॉटल कहते हैं, वो उस तरह से आप सामने लेकर आ रहे हैं, ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल, ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल, तो आप नया ओल्ड वाइन को फिर से ला रहे हैं न्यू बॉटल के साथ। तो ये तो थोड़ा सा आप खुद समझिए कि, और फिर 2024 है, 2024 में अपोजिशन की तलवार तो लटकी हुई है, क्योंकि अब सारे मामले आपके एक्सपोज हो गए हैं, तब तक हो सकता है ईवीएम पे भी काबू पा लिया जाएगा। आज आज जो खुशी की बात है, जिस तरह से जुडिशरी और खासकर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से भी बहुत बातों का संज्ञान ले रही है, चाहे पुलिस को दोबारा एफिडेविट फाइल करने का सवाल हो, या जहांगीरपुरी का सवाल हो, या लिंचिंग का सवाल हो, कि आज ही उन्होंने कहा है, कल ही कहा है उन्होंने कि आप जिस तरह से किसी को सेडिशन लॉ में आप गिरफ्तार कर लेते हैं, चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे जो हो, वो आप नहीं कर सकते, उसकी आप भाषा बताइए, परिभाषा बताइए क्या हो। तो ये सब बातों से आपको एक सुकून मिलता है कि अभी भी आपके लोकतंत्र में, अमृत महोत्सव साल में भी, आपका जो है जिंदा है, जुडिशरी जिंदा है, और खासकर हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसको मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ, और खासकर आज के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है रमन्ना, उनको तो बहुत प्रणाम करता हूँ, भगवान करे कि ही बिकम द रियल रोल मॉडल इन द कंट्री। आपसे आखिरी सवाल सर, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर, आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि जूम की एक सीमा होती है, उसका समय थोड़ा सा लिमिटेड रहता है। ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि अब आपको बॉम्बे की याद नहीं आती क्या, फिल्म इंडस्ट्री की याद नहीं आती? अब तो पूरी तरीके से राजनेता हो गए हैं, पूरी तरीके से राजनीतिक बातें कर रहे हैं, तो जो फिल्म इंडस्ट्री है आज, वो कहते हैं बड़ी डरी हुई है, लोग फिल्में बनाने से डरते हैं, वहां मजबूत आवाज की जरूरत है, वो बुलंद आवाज वहां से गायब है, उनको सहारा देने वाला नहीं कोई आज की, तो उनको लगता है कि अगर मैं ये फिल्म बनाऊंगा हो सकता है जेल चला जाऊं, हो सकता है मेरे यहाँ छापा पड़ जाए, हो सकता है मेरे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पड़ जाए, तो आपने अनाथ छोड़ दिया उनको? नहीं, वो लोग तो आजकल बहुत ज्यादातर लोग उसमें से राग दरबारी गा रहे हैं। ज्यादातर लोग जब राग दरबारी गा रहे हैं तो राग दरबारी की भी एक सीमा होती है, जैसे आपने कहा जूम की सीमा है, कि उसमें राग दरबारी की भी सीमा है। आपको आपकी बात में एक और बात जोड़ दूं कि ज्यादातर लोग सरकारी राग अलाप रहे हैं, ज्यादातर लोग सरकार से और सरकार के मुखिया से कुछ ज्यादा करीब आने की कोशिश में है और भयभीत भी है, और ऊपर से इनके ऊपर एक कहर पड़ा है, इनके ऊपर क्या, सारे बिजनेस के ऊपर पड़ा है, खास करके हमारे शो बिजनेस पे बहुत पड़ा है, और वो है कोरोना का कहर। कोरोना से 2 साल में बहुत कम फिल्में सामने और वेब सीरीज पे भी जो आई है, उनमें से हमारी तो फिल्में को खास, एक सूर्यवंशी अच्छा आदमी है रोहित शेट्टी, उसने बनाई, वो अच्छी फिल्म बनाई थी इंटरटेनमेंट के लिए और चली, लेकिन उसका भी लोग कहते हैं कि कोरोना में उसका इंटरेस्ट इतना हो गया था, उसको कहां तक प्रॉफिट हुआ वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अच्छे अच्छे कलाकारों की एकदम जो भी सामने आई फिल्में बुरी तरह से पिट गई, नहीं चली। उसके कई कारण हैं, एक कारण ये भी है कि कोरोना में थिएटर्स की कैपेसिटी नहीं भर पा रही है, और दूसरा कारण ये है कि इन्हीं दिनों में वाकई किसी ने, मनोज वाजपेयी ने ठीक कहा है कि वहां के साउथ इंडिया के जो फिल्में हैं वेब सीरीज से चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने आके कुछ तहलका मचा दिया है, उन्होंने वो भाषा की दीवार को तोड़ा तो नहीं है अभी, लेकिन भाषा की के भाषा जो है उसकी दीवार को कमजोर जरूर कर दिया, यानी दीवार अब नहीं रही, उतना हिलती डुलती दीवारें हो गई। उनकी तमिल तेलुगु की फिल्में भी लोगों ने, हिंदी भाषियों ने भी
दूसरे भाषियों ने भी देखा उसको, सराहा और बहुत चली है। एक बात और कह दूं आपको संक्षेप में ही चूंकि बोलना है, और वो ये कि आपने कहा फिल्म इंडस्ट्री के लोग सहमे हुए डरे हुए बहुत ज्यादातर लोग, ये सही है। आपको मैं ताजा एग्जाम्पल देता हूं कि दुनिया भर से आपने भी आशुतोष जी हजारों हजार मुझे बधाइयों के आए कि कमाल किया आपने, इतने दो साल इसी पांचवी बार इसी लोकसभा में आप वापस आए और सामने जीत कर आए, राज्यसभा से नहीं आए, मैसिव विक्ट्री लेकर आया साहब, लैंडस्लाइड कर दिया, कमाल कर दिया, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। आपको सुन के ताज्जुब होगा या शायद खुशी भी हो, क्योंकि आपने कहा लोग भयभीत हैं और सहमे हुए। मुझे फिल्म इंडस्ट्री से सिवाय एक दो लोगों के, इंडियन टेलीविजन एकेडमी के अपने शशि रंजन ने, चाहे और तीन चार चंद लोगों को छोड़ के, एक भी बधाई का शत्रुघ्न सिन्हा सीनियर मोस्ट जो है, एक भी बधाई का मैंने आया। बहुत अफसोस है ये। ये है इतने सहमे डरे लोग हैं कि एक ने ये भी ने टेलीफोन तक नहीं करने की कोशिश की, उनको लगता हो कहीं मेरा टेलीफोन टैप ना हो जाए, जो सरकार के पास नाम नहीं है सिर्फ उन्हीं का। आपके मित्र अमिताभ बच्चन ने भी आपको नहीं किया। मैं जब जाऊंगा गले लगाएंगे और कहेंगे अरे पापा जी तुसी ग्रेट हो, तुसी छा गए, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू हैव मेड अस फील सो प्राउड पापा जी, तुसी ग्रेट हो, वो होगा गले लगाएंगे। लेकिन अभी जो है कहानी मैंने आपको बता दी, ये है फिल्म इंडस्ट्री की कहानी और ये है हमारी दास्तां। चलिए सर, मुझे लगता है कि आपकी तस्वीर गायब हो गई है, कैमरा शायद ऑफ हो गया है, कोई शायद फोन आ गया हो इन हरकतों की वजह से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच, क्योंकि अब जूम का समय भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे इस बातचीत में शामिल हुए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच आशुतोष जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे और हमेशा अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।